तो कहानी की शुरुआत में हम एक ऑलमोस्ट टीनेजर लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है मार्क जुकरबर्ग। मार्क स्टडी में तो ब्रिलियंट था और वन ऑफ आईवी लीग कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा था, लेकिन स्वभाव में काफी गुस्सेल और इगोइस्टिक था। अब उसकी एक पार्टनर भी थी एरिका। वो दोनों भी डेट पे जाते हैं एक क्लब में, जहाँ पे मार्क उसके ऊपर शक करने लगता है और कहता है इस पब में हमें एंट्री इसीलिए मिली है क्योंकि यहाँ के बारटेंडर के साथ तुम्हारे रिलेशन चल रहे हैं। इसके पहले भी मार्क ने ऐसे कई बार उसके ऊपर शक किया था, इसीलिए इस बार वो काफी गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुम्हारे जैसा ना घटिया इंसान मैंने देखा नहीं है, तुम्हें लगता है बस लड़कियां तुम्हारे आसपास घूमती रहे हैं ना, उनके कोई और लड़के दोस्त ना बने, लेकिन तुम्हारी ये गंदी सोच तुम्हारे पास ही रखो। और वो उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। अब जैसे कि ये काफी इगोइस्टिक इंसान रहता है, इसे काफी गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपने ब्लॉग पर एरिका यानी उसके एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत ही गंदी गंदी चीजें लिखता है। अब ये कॉलेज का ब्लॉगिंग रहने के कारण काफी सारे स्टूडेंट्स ये चीज पढ़ लेते हैं जिसमें एरिका की बदनामी भी होती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे उसका बेस्ट फ्रेंड एंड रूममेट एडवर्डो वहाँ पे आता है और हंसते हुए उसे कहता है कि यार तुम्हारा तो ब्रेकअप पूरे कॉलेज में फेमस हो गया, तुम्हारा ब्लॉग तो सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अब इससे मार्क को एक आइडिया सूझता है, अगर लोगों को गॉसिपिंग में इतना ही इंटरेस्ट है तो क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाए जिसमें कॉलेज के सारी लड़कियों की फोटो डाली जाए और लोगों को उनकी पॉपुलैरिटी और खूबसूरती के आधार पर उन्हें रेट करना होगा ताकि लोगों को भी मजा आए ये सब करने में। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी सारी लड़कियों का डेटा आएगा कहाँ से, यानी तभी एडवर्डो कहता है कि अरे अपने कॉलेज का डेटाबेस है ना, उसमें सारी लड़कियों की फोटो रहेंगी। अब मार्क पूरा सोचने लगता है कि इस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करे, इसीलिए वो कॉलेज का डेटाबेस हैक करता है और अपने वेबसाइट का और कॉलेज के उस डेटाबेस का एक कनेक्शन बनाता है जिसके कारण इन लड़कियों की सारी फोटो वो एक्सेस करके अपने वेबसाइट पे डाल देता है। उसके वेबसाइट का नाम था फेस मैश। अब ये वेबसाइट काफी फेमस बनती है, इनफैक्ट लड़कियां भी इस वेबसाइट पे विजिट करती है देखने के लिए कि उनके कितने फैंस हैं, और लड़कों के लिए तो ये अच्छा खासा एक टाइम पास बन गया था। अब इसके कारण उसके वेबसाइट पे काफी ज्यादा लोग आने लगते हैं और हार्वर्ड का नेटवर्क क्रैश हो जाता है। जब ये लोग इन्वेस्टिगेट करते तब पता चलता है मार्क ने जो वेबसाइट क्रिएट की थी उसके कारण ये सब बवाल हुआ है, इसीलिए उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठती है और मार्क को 6 महीने के लिए कॉलेज से सस्पेंड किया जाता है। तो दूसरी तरफ फेस मैश की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ती है। ये देखते हुए 3 स्टूडेंट मार्क के पास आते हैं, कैमरन और टाइलर, ये जुड़वा भाई थे और उनके साथ थे दिव्य नरेंद्र। ये तीनों भी कॉलेज के सीनियर्स थे और वो सबसे पहले हार्वर्ड के लिए एक सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट बनाने वाले थे जहाँ पे स्टूडेंट्स किसी को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और उन्हें वो डेट करने के लिए पूछ सकते हैं। लेकिन उनका ये काम पूरा नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास कोई भी प्रोग्रामर नहीं था। वो मार्क की मदद मांगते हैं ये प्रोग्राम पूरा करने के लिए और इस वेबसाइट का नाम होने वाला था हार्वर्ड कनेक्शन। मार्क को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है और अगले दिन वो उनके घर चला जाता है। वो तीनों भी ये वेबसाइट कैसे काम करेगा इसका सारी चीजें उसे बता देते हैं। अब मार्क वहाँ से निकल आता है, तब उसके दिमाग में अलग ही आइडिया चला आता है। इनके साथ काम करने के बजाय इनका आइडिया लेके वो खुद की एक वेबसाइट बनाने का सोचता है। सिर्फ किसी कॉलेज के लिए सीमित नहीं, कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान को रिक्वेस्ट भेज सकता है, उनके साथ बातें कर सकता है। लेकिन मार्क को ये बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और उसे पता था कि एडवर्डो उसकी मदद कर सकता है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए क्लब में जाता है, उसे पूरा आइडिया सुनाता है और कहता है कि मुझे भी पैसों की जरूरत है, तुम कैसे भी पैसे अरेंज करो और इस बिजनेस में 70% शेयर्स मेरे होंगे, 30% शेयर्स तुम्हारे होंगे। इस वेबसाइट का नाम होगा द फेसबुक। अब एडवर्डो को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगता है और इस पार्टनरशिप में वो मान जाता है। हालांकि ये ओरिजिनल आइडिया उन्हीं 3 लोगों का था और उनसे बिना कुछ कहे मार्क अपनी ही वेबसाइट पे काम करने लग जाता है। तो दूसरी जगह पे एडवर्डो कंपनी के नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन करता है और उसमें अपने खुद के एक्सपेंस से वो $1000 की इन्वेस्टमेंट करता है। अब एक वीक बीत जाता है, वो ट्विन ब्रदर और नरेंद्र तीनों भी मार्क को कॉल करने लगते हैं अपडेट पूछने के लिए, लेकिन मार्क उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। इनकी वेबसाइट द फेसबुक पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, वो लॉन्च हो जाती है और वो लोगों में काफी फेमस हो जाती है कि आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो ऑनलाइन। जब इन तीनों को इस बात का पता चलता है तब उन्हें काफी गुस्सा आता है कि ये तो हमारी आइडिया थी। अब इस धोखे के कारण वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट रहते हैं उनसे मार्क की कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट सीधा सीधा कह देते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये तुम्हारा आइडिया था, अगर प्रूफ होता तो मैं हैंडल कर भी लेता। लेकिन कॉलेज से उन तीनों को कोई भी मदद नहीं मिलती। गुस्से में तीनों भी डिसाइड करते हैं कि अभी वो लोग मार्क के ऊपर एक कोर्ट केस कर देंगे। तो दूसरी तरफ फेसबुक की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, इसीलिए एडवर्डो मार्क को सजेस्ट करता है कि हमें अभी इससे प्रॉफिट कमाना चाहिए। लेकिन मार्क के ऊपर अभी एक जुनून था कि कैसे भी फेसबुक को उसे और बेहतर बनाना था, इसीलिए वो कुछ जवाब ही नहीं देता। वो पूरे रात दिन उसी कंप्यूटर के सामने बैठकर उसे इम्प्रोवाइज कर रहा था। इसी दौरान एडवर्डो की गर्लफ्रेंड इन दोनों को एक आदमी से मिलाती है जिसका नाम शॉन पार्कर होता है। इसने 15 साल की उम्र में ही नेपस्टर नाम की एक एप्लीकेशन बनाई थी जिसपे कोई भी सॉन्ग फ्री में यानी इलीगल तरीके से डाउनलोड किया जा सकता था। इसी कारण से कई म्यूजिक कंपनीज ने इसके ऊपर केस करी थी। और एक बार तो अपने पिता के कंप्यूटर से फॉर्च्यून 500 कंपनी के नेटवर्क को हैक किया था, लेकिन वो लॉग आउट नहीं कर पाया और इसी कारण से FBI ने उसे अरेस्ट भी किया था। यानी एक तरह का फ्रॉड इंसान भी था, अल्कोहलिक, ड्रग एडिक्ट और हमेशा पार्टी करना, ऐसे टाइप का ये आदमी था। यानी ऐसा लड़का जिससे आपके पेरेंट्स आपको दूर रहने के लिए कहते हैं। वो आगे मार्क और एडवर्डो को पूछता है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है फेसबुक को लेकर, पैसे कैसे कमाने वाले हो इससे। वो कहता है कि हम लोग कुछ एडवर्टाइजमेंट से बात कर रहे हैं। तो वो कहता है ये तो काफी छोटी अमाउंट के बारे में तुम बात कर रहे हो, तुम्हारी वेबसाइट का वर्थ बहुत ज्यादा है, मैं करोड़ों और अरबों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके इसी स्मार्टनेस के कारण मार्क उसके ऊपर काफी इम्प्रेस हो जाता है कि इसके पास बिजनेस का काफी नॉलेज है और इस आदमी की संगत में रहना चाहिए, ये काफी हेल्पफुल रहेगा। आगे शॉन उन्हें सजेस्ट करता है कि उनका ऑफिस उन्हें सिलिकॉन वैली में शिफ्ट करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे वो आसानी से टीम बना सकता है। लेकिन एडवर्डो को शॉन जरा भी पसंद नहीं आता। उसे ऐसा लग रहा था कि ये बेवजह हमारे बिजनेस में अपनी नाक डाल रहा है। वो वहाँ से निकल ही रहा था लेकिन वापस मुड़ के वो इन दोनों को कहता है कि द फेसबुक में से द हटा दो, बहुत ज्यादा कूल लगेगा। मार्क को भी उसकी ये बात सही लगती है और वो नाम द फेसबुक से फेसबुक रख देता है। अब यहाँ पे मार्क को तो वैसे ही कॉलेज से निकाल दिया था, इसीलिए वो सिलिकॉन वैली में शिफ्ट होने का फैसला करता है। लेकिन एडवर्डो को ये बात सही नहीं लगती। वो कहता है कि तुम्हें बिजनेस के डिसीजन हम दोनों को लेने हैं। एडवर्डो सिलिकॉन वैली नहीं जा सकता था क्योंकि उसे यहाँ पे इंटर्नशिप मिल गई थी। लेकिन आखिरी में दोनों भी ये फैसला करते हैं कि एडियोडो अभी के लिए न्यूयॉर्क में रहकर ही कंपनी के लिए स्पॉन्सर्स या एडवर्टाइजर ढूंढने की कोशिश करेगा, तो दूसरी जगह पे मार्क सिलिकॉन वैली जाके अपनी टीम एक्सपांड करेगा और वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाता है। और वहाँ पे ये लोग नए रिक्रूट्स को भी हायर करते हैं, पूरा एक ऑफिस बन गया था। लेकिन मार्क जैसे खुद कॉलेज से निकला हुआ था तो वो अपनी तरह ही यंग एम्प्लॉइज को ही हायर करता है ताकि ऑफिस में थोड़ी मस्ती मजाक भी चलती रहे। यहाँ का पूरा माहौल एकदम चिल रहता है जहाँ पे कोई भी कुछ भी कर सकता है और उसके साथ साथ काम भी जोरों शोरों से चल रहा था। और एक दिन इनका ऑफिस देखने के लिए शॉन वहाँ पे आ जाता है तो मार्क उसे ऑफिस में ड्रिंक के लिए बुलाता है। उसका ये ऑफिस देख के वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। कोई नाच रहा था, कोई गाना बजा रहा था, कोई ड्रिंक कर रहा था। अब मार्क शॉन को खुद यहाँ पे आने के लिए इन्वाइट करता है कि तुम यहीं पे शिफ्ट हो जाओ और शॉन भी मान जाता है और यहीं पे आके रहने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद एडवर्डो सिलिकॉन वैली में आता है और इनका ऑफिस ऐसा था कि सारे एम्प्लॉइज इधर ही रह रहे थे और तो और वो शॉन को देख के काफी हैरान होता है और उसे गुस्सा भी आता है। ये सारा माहौल देख के एडवर्डो काफी गुस्सा हो जाता है और मार्क को सवाल पूछने लगता है कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे मार्क लिटरली केयरलेसली उसे सीधा जवाब देता है कि ये अभी बिजनेस पार्टनर है और मुझे यहाँ पे मदद कर रहा है बिजनेस सेटअप करने में। अब मार्क और शॉन दोनों भी इस बेचारे की बेइज्जती करते हैं और आसपास की सारी लड़कियां उसके ऊपर हंसने लगती हैं। वो काफी गुस्सा होता है, जाने वाला था लेकिन मार्क उसे रोकता है और दोनों भी शांति से बात करते हैं। एडवर्ड उसे कहता है कि देख भाई, मुझे वो बंदा नहीं चाहिए अपने बिजनेस में। तो मार्क उसे सीधे सीधे कह देता है, देख मुझे काफी तेजी से आगे बढ़ना है और वो मेरी मदद कर रहा है। वो बंदा तो इधर ही रहेगा और तुझे भी इधर आना पड़ेगा वरना तुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं रहेगा। इतनी सारी बेइज्जती के बाद वो तभी के तभी न्यूयॉर्क चला आता है और अगले दिन कंपनी का मेन अकाउंट सीधा फ्रीज कर देता है। इसी दौरान शॉन के कॉन्टेक्ट में एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर था। वो फेसबुक में $500,000 इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होता है लेकिन उसकी एक शर्त थी, उसे कंपनी का पूरा मैनेजमेंट चेंज करना था। अब मार्क को पता चलता है कि अकाउंट फ्रीज हो गया है, तब उसी वक्त वो एडवर्डो को कॉल करता है। उसके ऊपर पहले तो वो काफी गुस्सा था और उसे काफी खरी खुरी सुनाता है लेकिन बाद में उसे बताता है कि हमें एक इन्वेस्टर मिल गया है, वो $500,000 हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और कुछ पेपर साइन करने के लिए तुम्हें अगले हफ्ते यहाँ पे आना पड़ेगा। अब ये सुन के एडवर्डो भी काफी खुश होता है और अगले हफ्ते कंपनी के नए एड्रेस पे वो चला जाता है जहाँ पे पूरे कंपनी का लुक चेंज हो गया था। एक प्रॉपर एक ऑफिस था अभी जहाँ पे कंपनी के ही वकील बैठे हुए थे और वो एडवर्डो को कहते हैं कि देखो, तुम्हारा 30% का शेयर था, अभी वो चेंज करके अभी तुम्हारा 34% का शेयर कर दिया गया है और शॉन के भी कुछ शेयर्स है अभी इसमें। और एडवर्डो इन पेपर्स पे साइन करता है और वापस न्यूयॉर्क निकल जाता है। कुछ हफ्तों के बाद वो वकील उसे वापस सिलिकॉन वैली के ऑफिस में बुलाता है और उसे कुछ पेपर्स पे साइन करने के लिए कहता है। तो वो पूछता है ये क्या है, तो वो कहता है कि यहाँ पे तुम्हारे शेयर्स जो तुम फेसबुक में तुमने इन्वेस्ट किया था 30%, वो हमने निकाल दिया है और अभी तुम्हारे शेयर की वैल्यू और अभी तुम्हारे शेयर है 0.3, मतलब जो उसके 30% शेयर थे वो पूरे निकाल दिए थे और 0.3 शेयर उसे दिए थे, मतलब उसकी वैल्यू कुछ थी ही नहीं। और ये वही पेपर्स है जिसमें उसे बताया गया था कि तुम्हारे शेयर 34% हुए हैं। यानी मार्क एंड शॉन ने उसे फंसाया था और उसके गलत साइन लिए थे झूठे पेपर्स पे। ये देख के वो काफी भड़क जाता है, वो मार्क के ऊपर चिल्लाता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे पूरा फंसाया तुमने। तो मार्क उसे उल्टा कहता है कि तुम इस कंपनी के CFO थे लेकिन तुम इतने बेवकूफ हो कि तुमने अपने ही कंपनी के साथ गलत डील साइन की, तुम्हें पहले पेपर पढ़ने चाहिए थे। में कल जाके तुम इस कंपनी को डुबा भी सकते हो। कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं भी इस कंपनी में पार्टनरशिप में हूँ। तो शॉन उधर आता है और कहता है कि तुम थे, अभी नहीं हो। वो शॉन को कहता है कि देख मेरा भी बोर्ड्स में नाम है और तुम मुझे हटा नहीं सकते। तो शॉन कहता है इन्वेस्टर आने के बाद ना काफी सारी चीजें चेंज हुई है और अभी तुम इस कंपनी का हिस्सा नहीं हो। एडवर्डो काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि ही वॉज को फाउंडर ऑफ फेसबुक और उसे अभी सीधा निकाल दिया था। वो कहता है मेरा नाम मर्सियाट पे है। पार्कर कहता है कि क्या तुम फिर से चेक करना चाहोगे, हमने तुम्हारा नाम वहाँ से हटा दिया है। वो गुस्से में मार्क को कहता है कि अभी तुम देखना, अभी 30% नहीं उससे कहीं ज्यादा मैं लेने के लिए आऊंगा। अब जाते जाते शॉन एडवर्डो को धमकी देता है और ये बात मार्क को पसंद नहीं आती। अब यहाँ पे मार्क भी थोड़ा सहम गया था। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्क को भी समझ आ रहा था कि उसने काफी बड़ी गलती की है। तो दूसरी जगह पे हम देखते हैं वो 3 लोग कैमरन, टाइलर और नरेंद्र, जिनकी ये ओरिजिनल आइडिया थी, वो तीनों भी मार्क जुकरबर्ग के ऊपर लॉ सूट फाइल करते हैं और उसके साथ साथ एडवर्डो भी उसके ऊपर केस फाइल करता है कि उसे धोखे से इस कंपनी से निकाल दिया गया है। अब मार्क और फेसबुक के ऊपर 2 लॉसूट फाइल हो गए थे। सुनवाई के दौरान वो ठीक से कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। ये सारी उसे बेतुकी बातें लग रही थी और सबसे मेन कारण ये था कि उसके सामने बैठा हुआ उसका दोस्त ही था। अब ये पूरा लॉसूट काफी दिनों तक चलता है। इसी बीच में इनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं फेसबुक पे और इसी के रिलेटेड एक पार्टी थी जिसमें सब लोग ड्रग्स भी ले रहे थे, जहाँ पे कुछ इंटर्न्स थे यानी अंडर एज लड़कियाँ थी, वो भी इसका शिकार बनती है। लेकिन वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ती है और इन सबको अरेस्ट किया जाता है और एक न्यूज बनती है। अब इन सारी चीजों का मार्क के पर्सनालिटी पे असर पड़ता है, यानी जूरी के सामने उसकी इमेज खराब हो जाती है और जूरी अपोजिट पार्टी के फेवर में फैसला सुनाती है। तो सबसे पहले केस थी उन तीनों की जिनकी फेसबुक की आइडिया थी, तो उन्हें $65 मिलियन देने पड़ते हैं और इसके बदले वो तीनों भी एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ता है, यानी वो कभी फेसबुक से रिलेटेड है या उनका कोई रिलेशन था, ये बात यहीं पे क्लोज हो गई। तो वही दूसरे लॉसूट में एडवर्डो को एक भारी अननोन रकम एज अ सेटलमेंट के तौर पे दिया जाता है। इसके साथ उसका नाम फेसबुक के को फाउंडर्स में हमेशा रखा जाएगा, इसके ऑर्डर्स दिए जाते हैं। इसीलिए आज भी आप अगर गूगल करते हो तो फेसबुक के को फाउंडर में एडवर्डो का भी नाम आता है। अब ये सब कुछ सेटल डाउन हो जाने के बाद वो जूरी के ऑफिस में बैठा हुआ था टेंस में कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसकी लॉयर आती है और उसे पूछती है कि एक बात बताओ, जिस दिन पुलिस ने उस पार्टी में रेड डाली थी तुम उस पार्टी में नहीं थे, क्यों? और क्या तुमने ही पुलिस को बताया था कि उस पार्टी में ड्रग्स होने वाले हैं? तो वह हैरान होकर कहता है नहीं, मेरी ही ऑफिस की पार्टी थी, मैं क्यों पुलिस को बुलाऊंगा? तो वो कहती है कि मुझे लगा शॉन अब तुम पे भी भारी पड़ रहा है, इसीलिए तुमने ये किया होगा। यानी यहाँ पे क्लियर होता है कि शॉन इतना प्रौढ़ आदमी होता है कि कल जाके वो माँ को भी हटा के फेसबुक अपने नाम कर सकता था। तभी उसकी जो लॉयर रहती है वो आगे उसे समझाती है तुम प्रिटेंड कर रहे हो बहुत हार्ड, तुम्हें थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए। तुम बिजनेस तो बढ़ा रहे हो लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। और वो वहाँ से चली जाती है। खैर लेकिन इस ड्रग वाले पूरे हादसे के कारण जो फेसबुक के बड़े बड़े शेयर होल्डर्स थे उनके दबाव में आके शॉन को रिजाइन करना पड़ता है अपने पोजीशन से। मार्क सब कुछ प्रोसेस करता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है कि एरिका से लेके अभी तक उसने कितनी बड़ी गलतियाँ की है। इसीलिए सबसे आखिरी में वो फेसबुक का अकाउंट खोलता है और एरिका को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और मूवी इधर ही खत्म होती है। 2008 में मार्क जुकरबर्ग सबसे यंगेस्ट बिलियनर था, जो 23 साल की उम्र में बिलियनर बना था, सेल्फ मेड। आपको क्या लगता है मार्क ने जो अपने दोस्त के साथ किया, क्या वो सही था? और जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है